أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم سامعين। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वरीका नाम का मतलब और इसकी मजीद तफसीलात क्या हैं। इस नाम की इब्तदाई तारीख अरबी जुबान से निकलती है। ये नाम इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है या इसके स्पेलिंग क्या है ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मजहब है इस्लाम, यानी इस नाम का शुमार इस्लामी नामों में किया जाता है। इस वीडियो में आगे चल के हम देखेंगे कि इस नाम का इस्तेमाल ज्यादातर कौन से तीन ममालिक में किया जाता है, इसलिए आपसे दरखास्त है कि इस वीडियो को एंड तक देखें। जिन्स है लड़की, यानी इस नाम का शुमार लड़कियों के नामों में किया जाता है। इस वीडियो में आगे चल के हम देखेंगे कि इस नाम के अफराद कैसे होते हैं या उनका हसूल जिंदगी क्या होता है, इसलिए आपसे दरखास्त है कि इस वीडियो को एंड तक देखें। ये नाम उर्दू में 5 हरूफ और 1 लफ्ज़ पर मुश्तमिल है, जबकि इंग्लिश में इस नाम के हरूफ की तादाद भी 5 है। वरीका की उर्दू मानी है सब्ज़ाज़ार, सब्ज दरख्त, जबकि इसके इंग्लिश मीनिंग है ग्रीन ट्री। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। इस नाम के अफराद के लिए हिंसों के हिसाब से खुशकिस्मत समझे जाने वाले रंगों में शामिल है नीला और सब्ज। जबकि जुमा और सोमवार के दिन को इस नाम के अफराद के लिए हिंसों के हिसाब से खुशकिस्मत समझे जाने वाले दिनों में शुमार किया जाता है। आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मरकत नामी पत्थर को इस नाम के अफराद के लिए हिंसों के हिसाब से खुशकिस्मत समझे जाने वाले पत्थरों में शुमार किया जाता है। जबकि चांदी को इस नाम के अफराद के लिए हिंसों के हिसाब से खुशकिस्मत समझे जाने वाली धातुओं में शुमार किया जाता है। नंबर 7 को इस नाम के अफराद के लिए हिंसों के हिसाब से खुशकिस्मत समझे जाने वाले नंबरों में शुमार किया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो अभी कर लें। वरीका नाम की तफसील है वरीका गुल, वरीका गुलशन। इस नाम का ज्यादातर इस्तेमाल जिन ममालिक में किया जाता है उसमें सरफरिस्त है बांग्लादेश, नंबर 2 पर है मलेशिया और नंबर 3 पर है पाकिस्तान। इस नाम के अफराद के बारे में ये समझा जाता है कि ये बहुत ज्यादा हसास तबीयत के मालिक होते हैं और अपनी माली हालात को बेहतर बनाने की कोशिश में रहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप किसी और नाम के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अपना पूरा नाम कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। आपसे दरख्वास्त करेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इसे सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।